पीछे तुरदिया फे मज मादा। हेलो, फोन को क्यों कट किया था? फोन को क्यों कट किया? अच्छा गल सुन मेरे, गल सुन मेरे, गल सुन मेरे, फोन को कट गया। फिर से केबीसी के बच्चे के मतलब केबीसी के पास कॉल करने वाले, वो ऑनलाइन कर देगी। उसके बाद हमें हमने हमने किया क्या, देखिए उसने हमें भेजा कि हाई, हमें हाई भेज दे, बाद में देखिए सॉन्ग्स भेज दे इसे, ठीक है ना। बोलो अभी करता हूँ कॉल, अच्छे से बात करूंगा, इसके बाद गाली किसे बोल दे इसे देखा दूंगा साले। फोन तो रिसीव करेगा ही, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, यस गुड मॉर्निंग, हमने एक जानकारी लेने के लिए आपके पास कॉल किया। जी जी बोलिए। जैसे कि हमें पता ही है जो केबीसी है और इसका जो प्रोसेस है, जब हम लोग केबीसी पर जाके कोई भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तभी हमें जो हमारा जो मतलब इनाम के तौर पैसा मिलता है। तो अभी जो आप लोग देते हो व्हाट्सएप नंबर पर लॉटरी लगा के देते हो, ये क्या न्यू प्रोसेस है ना क्या? सर ये देखो, ये जो प्रोसेस है मैं आपको ऑलरेडी पूरी डिटेल्स में बता रहा हूँ, ये अच्छे तरीके से और ध्यान से सुनिएगा, राइट? ठीक है ठीक है। देखो ये जो केबीसी की ओर से बकायदा, आप फॉर एग्जांपल अगर आप लॉटरी टिकट खरीदते हैं तो तब आप अपना लॉटरी का प्राइज रिवर्ड अगर जीते हैं तो फिर आपको रिवर्ड मिलता है, ठीक है फॉर एग्जांपल। या फिर इससे अलावा अगर आप मास्टर कार्ड परचेज करते हैं, अगर आप हॉट सीट के ऊपर बैठ के खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नॉलेज है आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको मास्टर कार्ड परचेज करना पड़ता है और वहां पे खेलना पड़ता है, ठीक है, खेल के जीतते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो बकायदा कंपनी है ऑल इंडिया सिम कोड कंपटीशन पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ हुआ था, ठीक है, कंपनी ने एक अपनी तरक्की और मशहूरी के लिए, फेमस होने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक इनामी लकी ड्रॉ करवाया था, ठीक है, हाँ जी, ताकि बकायदा ये कंपनी को और ज्यादा आगे बढ़ा सके, उसको फेमस कर सके, ठीक है, इसलिए इनामी लकी ड्रॉ करवाया गया था। कुछ भाग्यशाली नंबर सेलेक्ट चैरेट किए गए थे जिन नंबरों में आप लोगों का नंबर भी शामिल था। सर देखो ये जो आप सिम कार्ड यूज करते हैं इसके अंदर आप रिचार्ज यूज कर रहे हैं, खाली आप नहीं है, ठीक है, आपसे अलावा कितने लोग हैं अरबों खरबों की तादाद में, ठीक है, तो एक दिन के अंदर कितना पैसा बनता है वो आप लोगों का ही है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई अपनी पॉकेट से उठा के दे रहा है। कंपनी है बकायदा, कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं बकायदा सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, जितना ज्यादा सिम कार्ड यूज करेंगे उतना ज्यादा इसका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, हाँ जी ठीक है। और ऐसा पैसा आप लोगों ने कितने लोगों को भेजा है? मेरी आवाज समझ नहीं आ रही आपको? हाँ समझ में तो आ रही है। हाँ देखो ये आप लोगों का ही बकायदा, ये जो आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं ना ये आप लोगों का ही पैसा होता है, ठीक है, और बकायदा इसमें इनामी लकी ड्रॉ किस लिए करवाया, ताकि कंपनी को और आगे बढ़ाया जा सके, कंपनी को फेमस किया जा सके, ठीक है, इसी कारण ये इनामी लकी ड्रॉ करवाया गया था। ये 1 करोड़ से लेके 65, देखो मेरी बात सुनिए, 1 लाख से लेके 65 करोड़, यानी कि 65 करोड़ तक बकायदा इनामी लकी ड्रॉ था, ठीक है, जिसमें बकायदा आपका जो अमाउंट है वो 25 लाख रुपए का, ठीक है, एक कुटी देगा 25 लाख रुपए बड़ी अमाउंट नहीं है, 7 करोड़ लास्ट प्राइज है, बड़ा प्राइज जो है 7 करोड़ है, ठीक है, और 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए बकायदा, जैसे कि जैसे अभी आपका नंबर जो है वो 25 लाख रुपए में जो आपको मैसेज मिला है बकायदा, उसका मैंने उस दिन लॉटरी का नंबर चेक किया था आपका, जो लॉटरी नंबर आपने मुझे कन्फर्म किया था वो 25 लाख रुपए, ठीक है, एक कुटी जी जी। और आपका नाम क्या बताया था? जी जी क्या चीज बोल रहे? आपका नाम? मिस्टर आदित्य राय। मिस्टर आदित्य राय, ठीक है ठीक है जी जी। और आपका लोकेशन मिल सकता है हमें?
बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, केबीसी का हेड चार्ज हो, ठीक है? नहीं नहीं मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है ठीक है, लोकेशन भेज दीजिए और हम बार बार कॉल करते कि वो इसका भी रीज़न ही है, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा आदित्य कुमार, तो गर्ल सुन मेरी, तो आदित्य कुमार जी, आदित्य कुमार जी, सबको ही 25 लाख रुपए मिलता है, बोला सबको ही क्या 25 लाख रुपए मिलता है, क्योंकि हमारे भी एक बार था, मेरा भाई भी है, उसे भी सेम ही एसएमएस आया, उसको भी 25 लाख रुपए मिला, और मुझे भी पहले 2-3 एसएमएस आया था, सिंपली मुझे भी 25 लाख रुपए ही लगा था। इसके बाद जीएसटी भी आप लोग कटते हो, जीएसटी में बोलते हो 5,000 रुपए देने के लिए, जब देते हो जितने भी पैसे देते हैं, इसके बाद उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी रीजन नहीं है, ऐसे कभी भी कंपनी की तरफ से किसी भी क्लाइंट को यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट नहीं किया जाता है या नंबर को ऑफ नहीं किया जाता, ठीक है? आइए, खाली आप कस्टमर नहीं है, खाली आप ही नहीं है जो आप मेरे पास कॉल लगा रहे हैं, खाली आप भी एक कस्टमर है यहाँ पे, बकायदा जितने भी कस्टमर है, हर कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके अपने लॉटरी के अमाउंट कैश आउट रिसीव करवा रहे हैं। आपको पहले कस्टमर है जो उठ के आ रहे हैं और अभी कॉल लगा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है? आवाज नीचे करके बात कर, जो चाहे अभी से छोड़ के एक मंथ बाद को लगाइएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, तो लोग अभी से छोड़ो, एक मंथ के बाद भी को लगाइएगा, एक मंथ के बाद को लगाएगा, तब मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप अब नंबर आपका चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, केबीसी का हेड इंचार्ज हूँ, ठीक है? अभी तक आपको समझ नहीं आई है, मैंने आपको बताया था उस दिन भी, मैंने आपको बताया था जब आपने कॉल लगाई थी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। डाउट क्या हुआ, क्यों हुआ, यही बता रहा हूँ, क्योंकि उसको भी सेम ही एसएमएस आया था, सेम वॉइस नोट, सेम नंबर, मतलब ऐसा ही, मतलब सेम वॉइस नोट है इसके वजह से। और आपका जो हमारी कंपनी की ओर से बकायदा हमारी कंपनी की ओर से कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या हुई थी, ठीक है? ये कुछ टाइम पहले, अभी बकायदा अभी जो है ना 135 ऑफिसर थे बकायदा, जिन्होंने लाइक कंपनी के साथ फ्रॉड स्कैम किया था, कंपनी के साथ, ठीक है? 1,65,00,000 रुपए का स्कैम हुआ था कंपनी के साथ, ठीक है? जिसमें कंपनी के अंदर बकायदा 50,000 लोग है बकायदा जो काम करते हैं, 5-3 मेन ब्रांच है, ठीक है? और बकायदा हर ऑफिसर बकायदा अपने काम से काम करता है ना, ठीक है? उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की थी बकायदा, और उसके अंदर 135 ऑफिसर हैं जो कंपनी से फरार हो चुके हैं, जिनके ऊपर मुकदमे जारी किए जा रहे हैं, ठीक है? एक और ऑफिसर था जिनको बकायदा हिरासत में ले लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है? मैंने आपको ऑलरेडी फोटो भेजा था, अभी मैं आपको भेज रहा हूँ उसका, जो आदमी अरेस्ट किया था, और उनके पिक्चर भेज देना, और जितने जितने लोगों को आपने पैसा दिया है उसका क्या कोई वीडियो फुटेज या कुछ भी है, मतलब प्रूफ वगैरह में के लिए? क्या चीज बोल रहे हैं? जितने जितने लोगों को हम आप लोगों ने मतलब पैसे को मतलब ट्रांसफर किया है, मतलब पैसा जीता है, उन लोगों का क्या थोड़ा भी फुटेज वगैरह है, वीडियो वगैरह? सर ऐसा वीडियो वगैरह नहीं होता बिल्कुल भी, ये लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, बकायदा ग्रुप कॉल लगाई जाती है, कस्टमर के पास ग्रुप कॉल आती है, ठीक है? जिसमें अनीता शर्मा खुद बकायदा आपको खुद कॉल लगाएगी, और आपका 10 मिनट का इंटरव्यू, 12 मिनट का वीडियो कास्ट किया जाएगा, जो सहारा वन सोनी चैनल के ऊपर ऑल मीडिया ऑल भारत देश में अनाउंस किया जाएगा, ठीक है? वीडियो वगैरह ऐसे नहीं होता है, वीडियो वगैरह आपको कौन बोल रहा है बेवकूफ आदमी? आपका लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा किसका लग रहा है? कश्मीर यहाँ पर नहीं, इसमें किसका लग रहा है? पाकिस्तान नहीं नहीं, उसको नहीं, कैसा लग रहा है पता नहीं। और बात है कि गल सुनिए मेरा, रुके रुके क्या बोलना था वही बोल गया। हाँ क्या बोल रहे हैं? ये जो मतलब आप लोग ऐसे कॉल करते हो या एसएमएस भेज दो, एक मतलब कब से करते हो ये जो मतलब जो भी बोलो फ्रॉड या कुछ भी? सर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप ये फिर वही बात लेके बैठ गए और फिर वही बात कर रहे हैं, वही जिद कर रहे हैं। मैंने आपको बताया मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, केबीसी का हेड इंचार्ज हूँ, ठीक है? अभी तक मुझे लगता है आपको समझ नहीं आई है। तो अब मेरे पास इतना समय, इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है? आपने पूरी इन्फॉर्मेशन बोला था कि मुझे गाइड करे, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन गाइड कर दी है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आप फोन रख सकते हैं, इतना समय टाइम नहीं होता, ठीक है? ठीक है ठीक है, आपको लोकेशन भेज दीजिए, लोकेशन डाटने बोल दो, बोल दो।
बोल दो। देखो फोन ही काट कर दिया, जब बोला लोकेशन भेजो फोन ही काट कर दिया, गाली दिया दो दिन, ठीक है ना, दो दिन दिया। जब सख्ती से लास्ट में बात किया लोकेशन भेजने के लिए, फोन ही काट कर दिया, और साइड में नोकिया फोन का जो साउंड देख लिया फिर से। क्या हेलो, इसने देखा, देखो क्या भेजा था, अभी भेज के डिलीट कर दिया, ठीक है डिलीट कर दिया। इसके बाद अभी फिर से कॉल करने वाला हूँ, बोलूंगा क्यों फोन को काट किया, ठीक है। अगर आप रियल बंदे हो तो फोन को क्यों काट किया, ये पाकिस्तानी है तुम, हाँ सच में पाकिस्तानी है। फोन को काट कर दिया, ऐसे में सभी सीन क्या देखे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक ब्लॉक नहीं करेगा तब तक कॉल चलते रहेगा। रिंगिंग है, फिर से कॉल कट गया। अभी उसे समझ में आ गया, अभी उसे समझ में आ गया, तेरा पर डक। अरे आपको नॉलेज नहीं है कि यार बेवकूफ आदमी है क्या, फोन को क्यों कट किया? अच्छा गल सुन मेरी, गल सुन मेरी, गल सुन मेरे, फोन को कट गया। आओ पीछे पीछे तोड़ दिया फेम जितने मज कल, बात नहीं करना ब्लॉक कर दो, ठीक है बात नहीं करना ब्लॉक कर दो। अभी गुस्सा आ गया था, फिर से कॉल काट कर दिया साले। अगर रियल बंदा होता तो ऐसा नहीं करता, ठीक है, गाली नहीं देता। अगर बात नहीं करना ब्लॉक कर दो बोल दूंगा, ठीक है बात नहीं करना ब्लॉक कर दो। हाँ बुक डांट देने का, अभी देखा था कैसा भोगा है, कुत्ते के जैसा साले। बात नहीं करना ब्लॉक कर दो, इतना ही बोलना चाहता हूं, जो भी कर लो। अभी अगर उसको बात ही नहीं करना तो ब्लॉक क्यों नहीं करता, हमें ब्लॉक क्यों नहीं करता, दिखा रहा है कि ट्रस्टेड है, हमें यकीन दिला रहा है, इसीलिए ब्लॉक नहीं कर रहा, ठीक है। फिर से फोन को कट कर दिया, किया भेजा था लोकेशन भेजो, लोकेशन भेजो। तुम इंडिया से नहीं हो हमें पता है, बार बार कॉल क्यों कर रहा हो तुम्हें अभी भी नहीं पता चला। लोकेशन ट्रैक नाम के भी कुछ होता है, ठीक है ना, सो गाइस फोन को काट कर दे, इसलिए इस मोबाइल से भी कॉल करने वाले, ठीक है गाइस। फिर से मेरे मोबाइल से भी कॉल करो, ठीक है, रिंगिंग नहीं है, देखिए फोकस, कोई बात नहीं रिंगिंग पर नहीं है, मोबाइल से रिंगिंग नहीं है, फोन और रिसीव नहीं करेगा, मैं एकदम गारंटी हूँ, ठीक है। जब सकते थे बात किया मिडल में चला गया, वापस डाकू बंद दे देंगे तो वो जो बात किया बात के लग, मतलब क्या बोला था ना, वो जो बात बोला था वो एकदम पाकिस्तानी है, इसलिए मुझे पता चला ये पाकिस्तानी है। कश्मीर तो होगा कैसे, कश्मीर है पाकिस्तानी जैसे कुछ ऐसा। सो इस नंबर है इंडिया का, ठीक है, मतलब नंबर जो है व्हाट्सएप पर वो है इंडिया का, जैसा 91 से शुरू होता है, लेकिन बात जो है वो कश्मीरी या कट कर दिया, देखिए देखिए कट कर दिया, फिर से कॉल करता हूँ। बात जो मतलब पाकिस्तानी जैसा है, ठीक है, तो रिंगिंग है नहीं भाई, कोई बात नहीं। सो गाइस देखते हैं फिर से, अगर अभी कॉल रिसीव कर, डायरेक्ट बोलूंगा फोन को क्यों कल कट किया था, ठीक है। अगर आप रियल बंद हो तो फोन को क्यों कट किया, इतने ही बोल के साले डांट के छोड़ देंगे, ठीक है। ऑनलाइन ही है कॉल की कट दिया साले, ऑनलाइन पर, ठीक है ऑनलाइन पर, एक नंबर नहीं चलती,
उसको हमने इतना परेशान करके रख दिया वो इस मोबाइल से, बोला था दूसरे मोबाइल से फोन करने के लिए, उससे तो क्या है वो, इसके बाद इससे भी शुरू कर दिया वो। रिंगिंग क्यों नहीं है, ये क्या मसला? सो गाइस जैसे कि देख लिया आप लोगों ने, मैंने जब उसे डांटना शुरू किया, ठीक है, डांटना नहीं, इसने डांटना शुरू किया, डांटना जब शुरू किया मैं भी डांट दिया वो। अगर ये रियल मत होता ऐसा नहीं करता, रियल होता ऐसा नहीं करता, ठीक है, ये फेक है, इसके वजह से ऐसा क्या है, और हम इस पर ट्रस्ट करें, इसके वजह से हमने ब्लॉक, मतलब हमें ब्लॉक नहीं किया। तो गाइस फिर से कॉल रिसीव करें तो कुछ बोलेंगे और डायरेक्ट डांट देंगे, बोलेंगे कॉल क्यों काट के, इतना ही बोल के डांट देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। गाइस मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, केबीसी का वीडियो होगा, और केबीसी फोन कर रहा है। हेलो हेलो, फोन को क्यों कट गया था? हाँ जी कौन लगाएंगे? हाँ जी क्या अभी दूसरे नंबर से कॉल लगाएंगे? दूसरे नंबर से? आपने तो बोला था दूसरे नंबर से कॉल करने के लिए, खाली किसने बोला आपको दूसरे नंबर से कॉल? कल आपने बोला था दूसरे कोई फोन है तो उससे कॉल करने के लिए, इसके बाद बात करने के लिए, इसलिए मैं दूसरे नंबर से कॉल कर दियो। दूसरे के से बात नहीं हो रही, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल नहीं, दूसरे नंबर से नहीं, ऐसे भी आप कोई, आप मुझे ये बताइए कि आप तो आप थोड़ा भीख मांगते हैं क्या, जो आप दूसरे नंबर से बार कोड एक्टिवेट करवा के लेंगे, ऐसा तो नहीं है मुमकिन। भीख तो नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं हमारी इनकम कितना है, करते क्या है हम। नहीं मुझे ये बताइए ना, आप भीख मांगते हैं क्या, मुझे ये बताइए, आपको भीख लेनी है क्या, जो आप बोल रहे हैं दूसरे नंबर से कॉल लगा दो, पीछे पीछे तुर दिया फेम अज कल आउंदा है सितारा विच नेम अज कल। पहले उस नंबर से कॉल क्यों कट गया था, उस नंबर से कॉल क्यों कट गया था, और आपका जो वॉल्यूम है इतना साउंड क्यों होगा? तू फ्रॉड है। अगर आप रियल बंदे होते तो आप ऐसा नहीं करते, फोन को क्यों कट गया पहले? तुम एक नंबर फ्रॉड है। मुझे इतने बात सुनने की आदत नहीं है, ठीक है, तुम एक नंबर फ्रॉड है। हां जी किया जा रही है? नहीं नहीं बोलो बोलो। मैं डाकू जेडी चीज रखे हो बोलेगा। क्यों क्यों देखा, क्यों क्यों हुआ, क्यों हुआ, पेपर क्यों हुआ उसके लिए इतना? मैंने सोचा इतना बड़ा कट हो गया। आज सुबह क्या होता है, मैं जब सुबह नींद से उठा, जब बाहर गया, जब नींद पर था, जब बाहर गया अचानक गिर गया, गिरने के बाद उंगली पर ऐसा लग के अभी ये देखिए बस हो गया, अभी डर करते ऐसे खाना भी नहीं खाया, हाथ ऐसा कटता होता है, डर होता है पापा आज दबाने का। सो मैंने देखा इस नंबर से भी कॉल को कट कर दिया, और मैंने क्या बोलो क्या बोलो, ये फ्रॉड ही है, कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं बोलो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, और ऐसे कॉल से शांत नहीं जाए सतर्क।